आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखो बेटा, आज का सवाल क्या देखा, यदि फलन fx बराबर, ये कैसा फलन है, खंडित फलन जिसकी दो परिभाषा है, एक्स माइनस वन गुणा मापांक फलन के अंदर क्या आ रहा है, एक्स माइनस वन, और दूसरी परिभाषा कितनी है, जीरो। पहली परिभाषा कब काम करेगी, जब x का मान एक नहीं है, और दूसरी परिभाषा कब काम करेगी, जब x का मान एक है। तो हमको क्या करना है, x बराबर एक पर सततता और अवकलनीयता की जांच करनी है। x बराबर एक पर क्या करना है, सततता और अवकलनीयता की जांच करनी है। तो देखो हमारा जो फलन दे रखा है, हमको क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर एक्स माइनस वन गुणा मापांक फलन के अंदर कितना आ रहा है, एक्स माइनस वन, और यहाँ कितना है, जीरो। ये परिभाषा कब काम करेगी, जब x का मान एक नहीं है, और ये परिभाषा कब काम करेगी, जब x का मान एक है। तो अब जब ये जो मापांक फलन के अंदर हमारा x माइनस वन आ रहा है, इस मापांक फलन को सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां से हटाते हैं। तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, दो स्थितियां बनाते हैं। x का मान एक जब रखोगे तो जीरो मिलेगा, तो हम यहां से दो स्थिति बना सकते हैं, x का मान एक से बड़ा और x का मान एक से छोटा। जब हम x का मान एक से बड़ा लिखेंगे तो हमको मापांक फलन के अंदर क्या मिलेगा, धनात्मक, तो यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, x माइनस वन। और जब x का मान एक से छोटा होगा तो मापांक फलन के अंदर क्या मिलेगा, ऋणात्मक, तो उस ऋणात्मक को धनात्मक बनाने के लिए एक ऋणात्मक हमको और लगाना पड़ेगा। तो देखो हमारा फलन का जो नया परिभाषा आएगा वो क्या आ जाएगा, हमारे फलन की नई परिभाषा को हम लिखते हैं, ये हमारी फलन की नई परिभाषा आ जाएगी। एक तो हो गया x का मान एक से छोटा, एक हो गया x का मान बेटा एक के बराबर, और एक हो गया x का मान एक से बड़ा। ठीक, तो जब एक से छोटा लिखोगे तो यहाँ पे तो ये तो x माइनस एक ही रहेगा, और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस x माइनस एक, तो यहाँ पर माइनस लगा दिया और यहाँ पर क्या आ जाएगा, x माइनस एक। ठीक, अच्छा x का मान जब एक होगा तो मान कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। x का मान जब एक होगा तो मान कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। और जब x का मान एक से बड़ा होगा तो ये क्या मिलेगा, x माइनस एक ही मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस एक गुणा x माइनस एक। ठीक, तो इस परिभाषा को और थोड़ा सा सरल कर लेते हैं हम लोग। तो देखो सरल किस तरह से कर सकते हैं, यहां से एफ एक्स बराबर क्या हो गया, एफ एक्स बराबर हो गया देखो माइनस, ये हो जाएगा बच्चा लोग एक्स माइनस एक का वर्ग, ये हो गया जीरो, और यहां पर कितना हो जाएगा, एक्स माइनस एक का वर्ग। ठीक बच्चे लोग, और इन परिभाषाओं की जो शर्त है वो क्या है, ये x से, x का मान एक से छोटा होना चाहिए, ये x का मान एक होना चाहिए, और ये होना चाहिए x का मान एक से बड़ा। अब हमको क्या करना है, x बराबर एक पर सततता और अवकलनीयता की जांच करनी है। तो हम सबसे पहले x बराबर एक पर सततता की जांच करते हैं, सतत होने की जांच करते हैं। तो सतत होने के लिए हमको तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक तो बाएं भाग की सीमा, एक पड़ेगी दाईं भाग की सीमा, और एक हमको जरूरत पड़ेगी इसकी, बच्चे लोग एक हमको जरूरत पड़ेगी फलन के मान की। तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, LHL निकालते हैं। तो LHL कैसे निकालोगे, लिमिट, देखो इसको हटा देते हैं यहां से, ये ऐसे ही बना। तो LHL कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू, x का मान जो है वो एक से छोटा होना चाहिए, और फलन जो है हमारा एफ ऑफ एक्स हो गया। अब इस लिमिट को मैं किस में बदल दूंगा, एच में बदल दूंगा, और यहाँ पर एक से छोटे का मतलब हो गया एक माइनस एच, तो फलन के अंदर क्या आ जाएगा, एक माइनस एच। अब देखो एक माइनस एच पर कौन सा फलन काम करेगा, ऊपर ऊपर वाला, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो बच्चे लोग लिमिट, लिमिट एच जो है जीरो की तरफ जाएगा, और फलन का मान कितना है, माइनस एक्स माइनस वन का स्क्वायर। तो देखो ये क्या हो जाएगा, एक माइनस एक्स की जगह कितना आ जाएगा, वन माइनस एच और माइनस वन का वर्ग। ठीक, तो यहां से कितना आ गया, देखो ये आ जाएगा, अगर मैं एच की मान जीरो रख देता हूँ तो ये मेरे को क्या मिलेगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, देखो वन से वन तो कट जाएगा, एक से एक कट जाएगा, तो ये क्या मिलेगा, माइनस एच का वर्ग। और जब एच का मान जीरो लिखोगे तो हमको इस सीमा का मान कितना मिल गया, जीरो मिल गया। अब यहां पर हम क्या निकाल लेते हैं बच्चा, हमारी आर एच एल निकाल लेते हैं। तो आर एच एल कैसे निकालेंगे, लिमिट x जो है वो किधर जाएगा, एक प्लस, और फलन का मान कितना हो जाएगा, f of x। अब इस लिमिट को हम किस में बदल देंगे, h में, h जीरो की तरफ जाएगा और फलन का मान कितना हो जाएगा, एक प्लस h। अब एक प्लस h का मतलब है एक से बड़ा, अब एक से बड़े के लिए कौन सा फलन काम कर रहा है,
एक से बड़ी बड़ी फलन का आंसर कौन सा काम करेगा, x माइनस एक का वर्ग। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, एक प्लस एच माइनस एक और उसका वर्ग। तो यहाँ पे देखो लिमिट क्या हो जाएगी, h जीरो की तरफ जा रहा है, एक से एक कट जाएगा, क्या बचा एच स्क्वायर। और जब h का मान जीरो लिखोगे तो इस सीमा का मान कितना आ गया, जीरो आ गया। अब x बराबर जीरो पर फलन का जो मान है f ऑफ जीरो वो कितना दे रखा है हमको, तो देखो x बराबर जीरो पर हमको फलन का मान कितना दे रखा है, सॉरी x बराबर जीरो नहीं, x बराबर वन पर। यहाँ पर देखो x बराबर वन पर चेक कर रहे हैं हम, तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, x बराबर एक पर फलन का मान कितना दे रखा है f ऑफ वन, और वो f ऑफ वन कितने के बराबर होगा, देखो x बराबर एक पर फलन का मान कितना है, जीरो। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, जीरो। तो चूंकि यहाँ से देखो हमको क्या मिला, एल एच एल आर एच एल और फलन का मान तीनों क्या मिले हमको, बराबर मिले हैं। अतः हम क्या बोलेंगे, x बराबर एक पर फलन कैसा होगा, x बराबर एक पर फलन कैसा होगा, सतत होगा। x बराबर एक पर फलन कैसा होगा, सतत होगा, ठीक है। चलो ये तो हमारी सततता चेक हो गई, अब इसकी क्या करते हैं, अवकलनीयता की जांच करते हैं। तो अवकलनीयता की जांच करने के लिए इसका एक बार क्या निकाल लेते हैं हम, इसका अवकलन कर लेते हैं। तो अवकलन को मैं देखो आपको यही करके दिखा देता हूँ, ये हमारा एफ डैश एक्स हो गया, एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, तो देखो माइनस दो गुणा एक्स माइनस एक, इसका अवकलन तो ये हो गया, जीरो का अवकलन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और इसका अवकलन कितना हो जाएगा, दो गुणा एक्स माइनस एक, ठीक है। चलो तो इनकी जो सामने शर्त है वो क्या है, ये एक्स का मान एक से छोटा, ये हो गया एक्स का मान एक के बराबर, और ये हो गया एक्स का मान एक से बड़ा। तो अब हमको x बराबर एक पर क्या चेक, क्या जांच करनी है, तो अवकलनीयता जांच करनी है। तो x बराबर एक पर अवकलनीयता, तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, LHD और RHD, क्या निकालेंगे बच्चों, LHD और RHD। तो LHD कितनी आएगी हमारी, LHD देखो कितनी आ जाएगी, LHD हो जाएगी f डैश एक माइनस, इसका मतलब हुआ एक से छोटे पर f डैश का मान कितना होगा। तो एक से छोटे पर फलन कौन सा काम करेगा, ये वाला काम करेगा। तो यहाँ पर एक लिखेंगे तो कितना मिलेगा, माइनस दो गुणा एक माइनस एक, तो ये कितना हो गया, माइनस दो गुणा एक माइनस एक, जो कि कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। अब हम यहाँ से एक और चीज निकालेंगे, क्या RHD, RHD हम कैसे निकालेंगे, f डैश वन प्लस, इसका मतलब एक से बड़े पर फलन के अवकलज का मान। तो एक से बड़े पर ये वाला फलन काम करेगा, नीचे नीचे वाला, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दो गुणा एक माइनस एक, कितना आ जाएगा, चलो दो गुणा एक माइनस एक, जो कि कितना आया, जीरो आया। इसका मतलब हमको यहाँ से क्या मिल रहा है, देखो यहाँ से हमको मिल रहा है x बराबर एक पर LHD जो है वो किसके बराबर है बच्चे लोग, RHD के बराबर। तो LHD यदि RHD के बराबर है तो हम क्या बोलेंगे, x बराबर एक पर फलन क्या होगा, अवकलनीय होगा। x बराबर एक पर फलन कैसा होगा, अवकलनीय होगा। कक्षा छठी से बारहवीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।